कि अगुआ सब हमारा दरवाजा पे एकदम चूटा माटा की तरह एकदम टूट पड़ा। किधर है किधर है किधर है सरकारी नौकरी वाला लड़का, किधर है? समझ लो कि एकदम तो काल है, सब ठीक है। देखो सरकारी नौकरी, देखो सरकारी नौकरी एक ऐसा रामबाण है कि जिस लड़के को मिल गया तो समझ लो उसको पूरा दुनिया मिल गया, इसके आगे और कुछ है ये नहीं। आ लड़का समझ लो पक्का स्वर्ग में जाएगा जिसको सरकारी नौकरी मिल गया। आज सरकारी नौकरी वाले लड़का में इतना पावर होता है, इतना पावर होता है कि उसको पाउडर क्रीम लगाने का कौनो जरूरत नहीं होता, चाहे उसका चेहरा कितना कलुआ कलूटा काहे नहीं हो, लेकिन उसको कैटरीना कैफ से कम लड़की नहीं मिलेगी। आज सरकारी नौकरी है वो ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि जो कौना भी लड़की के ऊपर छोड़ दो वो तुम्हारे पीछे लट्टू की तरह एकदम पगला जाएगी। सही कह रहे हैं महाराज। लेकिन सरकारी नौकरी इतना आसान नहीं है, सरकारी नौकरी मिलना और भगवान से भेंट करना दोनों बराबर है। हाँ लेकिन का करें, हमरो ब्याह नहीं हो रहा था, काहे कि सब बढ़िया बढ़िया लड़की सब सरकारी नौकरी वाला सब उठा के लेके चला जा रहा था। काम सोचे ना, जब से हम भगवान से भेंट नहीं करेंगे मतलब सरकारी नौकरी नहीं लेंगे तब से हमारा ब्याह नहीं होगा। अब ब्याह होइबो करेगा तो कौनो कलुआ कलूटी से हो जाएगा, लेकिन कौनो बढ़िया लड़की से हमारा ब्याह कब्बो नहीं हो सकता। हमहू एक बार भगवान से भेंट करने की कोशिश किए, माने सरकारी नौकरी पाने की कोशिश किए, अब प्रधान जी से कह के आठवीं के सर्टिफिकेट एकदम बनवा लिए, अब भर दिए सफाई कर्मी के फार्म, लॉकडाउन में परीक्षा दे के एकदम पास हो गए महाराज, एकदम पास हो गए। अगले ही दिन से एकदम नाली कूड़ा कबाड़ा पैखाना एकदम सब साफ कर रहे थे, एकदम चमका दिए थे महाराज, एकदम चमका दिए थे। इधर हम नाली चमका रहे हैं, उधर हमारा किस्मत चमक रहा था। लेकिन हम पहले शर्मा जी की लड़की के ऊपर हम बहुत लाइन मार रहे थे, लेकिन हमको कब्बो भाव नहीं थी। लेकिन हम सफाई कर्मी का नौकरी लेके उसका गली में जब पंडोहा काचने गए ना, आ हा हा हा, अरे महाराज हम ही को देख रही थी, बाप रे बाप, हमसे रहा नहीं गया। हम कह दिए तू हमार बाबू आ तू ही हमार सोना, शादी तुम्हें से रचाएंगे आ घर पे ले चल के तुमसे बर्तन मजवाएंगे। का करें, हम सरकारी नौकरी वाला लड़का है ना, हमारा कीमत ना है, कम से कम 10 लाख रुपया आ दू गो सोना का सिगड़ी एगो चार चक्का गाड़ी हमारा कीमत है, जो वो लोग नहीं दे पाएगा। अच्छा छोटा मोटा लोग हमसे ब्याह करेगा, बड़का बड़का लोग बाबा लड़की के बाप का कम कम 1-2 बीघा बिचा जाएगा हमसे ब्याह करने के लिए। और आप यकीन नहीं मानिएगा, हमरा एकदम पूरा जिला जवार में एकदम हल्ला हो ना बाबू, वो गांव में एगो सरकारी नौकरी वाला लड़का है, एकदम है एकदम सरकारी नौकरी वाला लड़का, विचार 10 गांव के अगुआ सब हमारा दरवाजा पे एकदम चूटा माटा की तरह एकदम टूट पड़ा। किधर है किधर है किधर है सरकारी नौकरी वाला लड़का, किधर है? समझ लो कि एकदम धक्का मुक्की मारा मारी, बस खाली गोली बंदूक नहीं चला, बाकी सब हो गया। आ अंतिम में एकदम हमरो कीमत लग गया 10 लाख रुपया आ 3 गो सोना की सिकड़ी एगो चार चक्का गाड़ी पे हमहू एकदम बिका गए, एकदम हमरा कीमत लग गया। शादी के 7 वचन निभाएंगे आ घर में हो नून रोटी, तुमको पिज्जा बर्गर खिलाएंगे। आ सही में सरकारी आदमी से सरकारी धर्मशाला जैसा हमरा हालत हो गया है, कौनो भी आता है थूक के चला जाता है। बाकी एकदम सब सही है, कितना हूँ पैसा लगा तो का हुआ, लेकिन हमको बीवी एकदम बढ़िया मिली, कुछो नहीं करवाती हमसे, खाली झाड़ूए बर्तन करवाती है महाराज, झाड़ूए बर्तन करवाती है, खाना बनवाती है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी एकदम सब सही है, एकदम बढ़िया, एकदम गाय है, गाय महाराज एकदम गाय है। ठीक है चल रहे हैं, अब हमको बर्तन मांजना है, नहीं तो आ गई तो पूरा टोला मोहल्ला को पूरा चिल्ला चिल्ला के पूरा एकदम माने 10 लाख रुपया 3 गो सोना के सिकड़ी आ एगो चार चक्का गाड़ी के सब महीना मार देगी ना, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। चल रहे हैं महाराज, चल रहे, चलिए बाय बाय टाटा, चल रहे, जय हिंद।